जामा मस्जिद प्रशासन ने अगर रोक लगाई है तो ठीक किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया है। मैं भी आई हूँ घूमने के लिए, मुझे खुद रोक दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल गिल्टी फील नहीं हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अदब में आए, अपनी जैसे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने कपल लेकर नहीं आए। मतलब एंट्री नहीं मिली आपको? मस्जिद ही नहीं होती वीडियो बनाने के लिए, और भी बहुत सारी जगह वीडियो बनाने के लिए। अगर सरकार कहे कि नहीं साहब आजादी दी जाए उनको? जी बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के साथ आए, मम्मी के साथ आए या पापा के साथ आए, अब्बू के। अश्लीलता फैलाना गलत है, टिकटॉक बनाना गलत है, अपनी आजादी अपने घर में दिखाएं, इबादत की जगह पर नहीं होगा ये काम। ये टिकटॉक वीडियोस वगैरह लड़कियां मतलब काफी एक्साइटेड होती हैं, वो आती हैं, वो वीडियोग्राफी और डांसिंग एंड ऑल ये सारी चीजें होती हैं, उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं भी ये लगाया हूं। मस्जिद आ रहे हैं तो पूरा सूट होना चाहिए प्रॉपर, लाइक हिजाब एंड ऑल सब कुछ कवर करके चलती हैं लेडीज यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेडीज आती हैं और वो शॉर्ट ड्रेसेस होगा, वीडियोग्राफी, तो उसकी आजादी है ना, वो हक है। लेकिन मस्जिद एक आप समझ रहे हैं ना, मस्जिद क्या होती है, तो इबादत धार्मिक जगह पे आप कैसे कर सकते हो? तो लड़कियों की आजादी का अश्लीलता फैलाना गलत है, टिकटॉक बनाना गलत है, ये है गलत। लेकिन लड़कियां कहें हमारी आजादी, हमारी मर्जी, हम कुछ अपनी आजादी अपने घर में दिखाएं, अपनी आजादी कहीं और दिखाएं, इबादत की जगह पर नहीं होगा ये काम। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, वो फटकार लगा रही है, उनको सही बात मालूम नहीं है। पूरी बात मालूम होगी तो वो भी ये कहेंगी अच्छा किया, वो पूरी बात अधूरी बात जा रही है। हाँ अधूरी बात गई है, अधूरी बात गई है, पूरी बात जाएगी तो। लेकिन अगर आप पी से कोई लड़की आकर के कहे मेरा मन है यहाँ घूमने का मन है, तो फिर मेरा मन है घूमने का, ये इबादत की जगह है, आपने इसे, ये ऐतिहासिक जगह है, हमारे हिंदुस्तान की नाक है जामा मस्जिद, पूरे को देखना चाहेगा ना, युवा पीढ़ी देखना चाहेगी तो देखें, देखें, कौन मना कर रही है? देखने का मतलब ये थोड़ी नहीं है अश्लीलता फैलाएं, अश्लीलता फैलाई जाती है। हाँ फैलाई जाती है, वीडियो बनाने में फैलाई जाती है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? आयशा। कहाँ से आना हुआ है? अर्थले। आगे जी, रास्ता छोड़ कर। अर्थले से। कहाँ से? अर्थले, गाजियाबाद। ओके, तो यहाँ पर आने में कोई दिक्कत है? यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियो बनाने में दिक्कत है, वीडियो नहीं बनेगी यहाँ पर। अगर जामा मस्जिद प्रशासन ने अगर रोक लगाई है तो ठीक किया है? हाँ, बिल्कुल ठीक किया है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग संज्ञान लेकर के फटकार लगाता है, ये बोलता है कि ईरान नहीं हिंदुस्तान है, उनको पूरी ईरान नहीं, नहीं, अंदर मस्जिद के अंदर नहीं चलेगी ना, ठीक है, मस्जिद के अंदर नहीं चलेगी वीडियो वगैरह। देखिए ऐसी लड़कियों का इलाज क्या है, क्योंकि आपको अगर आपको समझ आता है कि मुझे कैसे आना है, कैसे अदब में रहना है और कैसे क्या नहीं करना है। अदब में आए, अपनी जैसे अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने कपल लेकर नहीं आए, सर पे चुन्नी, कपल से ना आए, इसे कहते हैं अदब। इसके मुंह पे आप मांस देख रहे हैं लगा हुआ, इसे कहते हैं अदब, समझे? ये एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, ठीक है। हाँ, इसने जितनी बातें कही हैं बहुत अच्छी कही हैं, पहले तो इन्हें पूरी बात बताई जाए, जो कि आपने कहा महिला आयोग जो है इसका संज्ञान लेना चाहती हैं, तो वो पहले पूरी बात सही तरीके से समझें, फिर लें संज्ञान। इसका तरीका दूसरा भी तो हो सकता है, यहाँ पर बताया जा सकता है ड्रेस कोड, मतलब एक कोड लागू किया जा सकता है, लेकिन पाबंदी करना है, वो है कहाँ, वो तो कोड पाबंदी लागू, वो सब कुछ है। नहीं 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 लगा दी ना, कोई रुका अभी तक? आप रुके, मैं रुका, ये बच्चियां रुकी, कोई रुका हो तो बताएं, कोई नहीं रुका, ना रोका जा रही है, अश्लीलता फैलाने के लिए को मना किया गया है। लेकिन मतलब ये बेवजह की बातें हैं कि आजादी का हनन किया जाए? ना ना ना, आजाद है हमारा भारत, आजाद है सब कुछ, लड़की आजाद है, सब आजाद है, लेकिन ये अपनी और ज्यादा आजादी अपने घर में दिखाई जाए, ना कि यहाँ इबादत की जगह पर आजादी दिखाई जाए, ज्यादा आजादी ना दिखाई। ना ना ना, ये ज्यादा आजादी यहाँ लड़की को ज्यादा आजादी मिल गई। गुड, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी आई हूँ घूमने के लिए, मुझे खुद रोक दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल गिल्टी फील नहीं हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए एक और बात है, अगर कोई लड़की हिजाब से आजादी मांगती है, वो कहती नहीं साहब मैं हिजाब नहीं पहन रहा है, तो उसमें फिर वो हिजाब से नहीं आ रही है, उनकी मर्जी है, लेकिन वो वीडियो ना बनाए, बस अंदर जाकर अपने फैमिली के साथ आ सकती हैं, कोई मना नहीं है। अगर आज आप लौट के जा रहे हैं, ठीक है, अगली बार आप कैसे आएंगे? फिर फैमिली के साथ आऊंगी। मतलब आप जो प्रशासन ने लागू किया है, जो फैसला किया, उसे आप स्वीकार करेंगे? मैं स्वीकार करती हूँ, मैं खुश हूँ। खुश है? Yes. आप भी? Yes, sir, खुश है। मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये अच्छे परिवार से, अच्छे खानदान से हैं, इनकी तरबियत बहुत अच्छी है, इनकी माँ ने बहुत अच्छी तरबियत दी है, वो मतलब ये शाबाशी की हकदार हैं। इनके फैसले में गुस्सा नहीं किया ना इन्होंने, इसलिए? नहीं 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 नहीं, आप इन्हीं से आजादाना सवाल करो, ये जवाब देंगी, ये जवाब देंगी और दे रही है। उन्होंने कह दिया कि हम आज लौटे हैं, आज तो लौटे ना। हाँ, तो पहले कितनी बार आए? थोड़ा रास्ता छोड़ के आगे आ जाइए। इससे पहले आप कितनी बार आए? एक बार आई हूँ अपनी मम्मी के साथ पहले। यस। आज आप अकेले आए?
हाँ आज मैं अकेले। आज आपको नहीं पता था कि यहाँ पे बोर्ड नोटिस बोर्ड? पता नहीं था बिल्कुल भी। हाँ। अभी आकर देखा है, मुझे रोक दिया था क्या साइड में, देखो मैंने बोर्ड देखा लगा हुआ, मैंने कहा ठीक है नहीं जाएंगे। अगली बार फैमिली के साथ आएंगे। यस अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो आपकी बहन हो, माँ हो, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारी माँ बहन हो। हाँ आ रही हैं, देखो ये जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, देखिए इनके सर पे चुन्नी है, ये देखो तो कि ये इज्जत की पात्र हैं। देखिए ईरान और हिंदुस्तान में अंतर है ना। अरे भाई आज़ादी है सबको, ईरान इस्लाम से, इस्लाम के कानून से चलता है, और यहाँ पे रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की बात, संविधान से चलेगा ना। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। कहाँ से आना हुआ है? लोकल रेजिडेंट है। तो यहाँ पे जामा मस्जिद आप इससे पहले कितनी बार आए? बचपन से आते रहे। अरे लोकल रेजिडेंट है तो बचपन से आते। आज आज आप जब प्रवेश करेंगे तो आज आपको कुछ अलग नजर आएगा। एक यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यहाँ लड़की लड़कियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। कैसे प्रतिबंधित हो सकता है? हम अभी भी जा रहे हैं स्कूल से बच्चों को लेकर। देखिए मैं नोटिस बोर्ड जो लगा हुआ है उसे पढ़ के बता रहा हूँ आपको। देखिए आज कुछ बदलाव है, उसे देख करके क्या दिमाग में आता है कि लड़कियों के लिए ही ऐसा क्यों किया गया है? वो लड़कों के लिए भी हो सकता है, वो समय का एक फाउंडेशन हो सकती है। समय का फाउंडेशन नहीं है एक्चुअल में, जो आज का लेटेस्ट आप देख रहे हैं ये टिकटॉक वीडियोस वगैरह, लड़कियां मतलब काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, वो आती हैं, वो वीडियोग्राफी और डांसिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मे बी ये लगाया हो। अदरवाइज हम लोग जा रहे हैं, कौन रोक रहा है बताइए? लड़की को ही क्यों? तो आप बोलिए ना कि भाई 6 बजे के बाद किसी को नहीं आना है, ये प्रवेश बंद रहेगा। नहीं नहीं, इसका पॉइंट लड़की को ही टारगेट क्यों किया गया? ड्रेसअप को लेकर के। आप अगर आप मतलब लाइक धर्म के बेसिस पर अगर आप चलते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा कायदे से चलेंगे। मस्जिद आ रहे हैं तो पूरा सूट होना चाहिए प्रॉपर, लाइक हिजाब एंड ऑल सब कुछ कवर करके चलती हैं लेडीज़ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेडीज़ आती हैं और वो शॉर्ट ड्रेसेस होगा, वीडियोग्राफी, तो उसकी आज़ादी है ना, उसमें आपको क्या आपत्ति है? उसकी आज़ादी है ना। मस्जिद में नहीं, मस्जिद अगर वो लड़की वो कुछ भी पहन के आ रही है, वो वीडियो बना रही है, उसकी आज़ादी है ना, उसका मन है, उसका हक है। वो हक है, लेकिन मस्जिद एक, आप समझ रहे हैं ना, मस्जिद क्या होती है, तो इबादत की धार्मिक जगह पे आप कैसे कर सकते हो? आपने अगर लेटेस्ट आपने एक वीडियो देखा होगा कि टिकटॉक वीडियो वायरल हुआ था, वो काफ़ी ट्रॉल भी हुआ है कि एक लड़की शायद डांस कर रही थी मंदिर के बाद, वो काफ़ी ट्रॉल हुआ है। तो ये मस्जिद अगर इस चीज़ के लिए ऐसे कोई चीज़ ट्रॉल होगी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ड्रॉबैक है। आपको नहीं लगता कि महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाए? महिलाओं को बराबर का हक दिया जा रहा है, हम तभी तो जा रहे हैं यहाँ पर। बताइए, हम जो है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं यूपी बुलंदशहर से यहाँ पर स्कूल पिकनिक पे बच्चों को लेकर आई हूँ, बच्चे अभी आए हैं, काफ़ी लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। लेकिन उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई हम इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे किया है, जहाँ प्रशासन ने ऐसा किया? आजाद हैं, वो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पूरा इलेबोरेट करके नहीं डाला है, अदरवाइज ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को आना मना हो। आप खुद देख रहे हैं कितनी सरकार ये कहती है कि आप इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि सबको बराबरी का हकदार है, सही बराबरी का हक है सब, सरकार की बराबरी नहीं पड़ेगी, हम खुद ही फैसला ले लेंगे। अरे हमें, वो हमारी माँ बहन है, हम उन्हें समझाएंगे, उनकी समझ में आएगी बात, और वो मान रही हैं ये बातें, ऐसी बात नहीं है, अश्लीलता नहीं परोसनी चाहिए, ये सब जानते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षा। कहाँ से आना हुआ है? अर्थले से। तो आज प्रवेश नहीं मिला आज आपको? जी आज प्रवेश नहीं मिला, मतलब एंट्री नहीं मिली आपको? नहीं। दुख हो रहा है? नहीं नहीं, एक मिनट, दुख हो रहा है? नहीं है, दुख की कोई बात नहीं है, हम अपने परिवार के। आज आप इतनी दूर से आए हैं, यहाँ घूमने के लिए आए हैं, कुछ माइंड में लेके आए हैं, सोच के आए होंगे, लेकिन मन में दुख हो रहा है ना, आज हम वापस जाने वाले हैं यहाँ से? कोई नहीं, वो भी मस्जिद में बिना घूमे? नहीं, मस्जिद तो हमारे घर, ऐसी कोई बात नहीं है, अब परिवार के साथ आ जाएंगे जब घूम लेंगे। जी लेकिन जो लड़कियों को अगर, तो आपको, आप नहीं बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लड़कियों को दुख है, जो लौट के जा रही हैं, जिनको उस पाबंदी में, वो उस घेरे में आ रही हैं, उनको आज़ादी कैसे मिलेगी? अब फैमिली के साथ आकर मिलेगी, इनको मिलेगी, फैमिली के साथ आकर मिलेगी, लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर आज़ादी आज़ादी है अंदर। मोबाइल हाथ में ले रखा है आपने? हाँ। आप वीडियो नहीं बनाएंगे फिर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मैंने बिल्कुल नहीं बनानी है वीडियो अंदर जाकर, नहीं बनानी मस्जिद में, नहीं बनेगी ना बिल्कुल भी वीडियो, मस्जिद ही नहीं होती वीडियो बनाने के लिए, और भी बहुत सारी जगह है वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ बना लीजिए। तो आप मानते हैं कि इस्लाम के मुताबिक जो है वो सही है, अगर सरकार कहे कि नहीं साहब आज़ादी दी जाए उनको? जी बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के साथ आए, मम्मी के साथ आए, पापा के साथ आए, अब्बू के।